सावन मास के चौथे सोमवार को उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर का विशेष श्रृंगार किया गया। हालांकि कोरोना के गाइडलाइन के कारण भक्त बाबा की भस्म आरती में शामिल नहीं हो सके, लेकिन आप आरती की तस्वीरें एमपी न्यूज पर देख सकते हैं। पवित्र सावन के चौथे सोमवार के दिन महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। भस्म आरती के पहले बाबा को जल से नहलाकर महापंचामृत अभिषेक किया गया, जिसमें दूध, दही, घी, शहद के साथ फलों के रस से अभिषेक हुआ। तो वहीं अभिषेक के बाद भांग और चंदन से भोलेनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया और बाबा को भस्म चढ़ाई गई। भस्मीभूत होने के बाद भगवान को वस्त्र धारण कराए गए और फिर झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े व शंखनाद के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। स्थानीय पुजारी ने बताया कि परंपरा के अनुसार महाकाल का महापंचामृत अभिषेक किया गया है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद के साथ फलों के रसों से अभिषेक हुआ। इसके साथ ही बाबा से विश्व कल्याण की कामना की है। जय महाकाल। इस वर्ष श्रावण महीने में 5 सोमवार का विशेष संयोग बना है, उसी श्रृंखला में आज श्रावण मास का चौथा सोमवार है। आज विशेष रूप से वही भगवान को जो परंपरा चली आ रही है, नित्य महापंचाभिषेक, विभिन्न प्रकार के फलों के रसों से स्नान, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों से स्नान किया जाता है भगवान का, और विश्व के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, और परम वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके निवारण के लिए ही लगातार भगवान से प्रार्थना की जा रही है। वैसे तो प्रतिवर्ष सावन माह की भस्म आरती में 2000 से अधिक भक्त शामिल होते हैं, परंतु इस बार कोरोना महामारी के चलते श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह प्रतिबंध है, जबकि दर्शन के लिए सुबह 5:30 बजे से रात्रि 9 बजे तक का समय तय किया गया है। इस दौरान केवल वही भक्त दर्शन कर सकेंगे जिन्होंने पूर्व में दर्शन के लिए बुकिंग करा रखी है और जो केवल मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। महाकाल मंदिर समिति ने सावन माह में प्रतिदिन 10,000 भक्तों को दर्शन कराने का प्रबंध किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, उज्जैन।